शुभम, मैं जानती हूँ कि वो इस वक्त कहाँ पर है। कहाँ पर है? महिला आश्रम में। तुम मेरे साथ मेरे घर पे चलोगे? और तुम अपने घर वालों से क्या करोगे? मैं उन्हें हमारी शादी और तुम्हारी प्रेगनेंसी के बारे में सब कुछ बता दूंगा। नहीं शुभम, अगर तुमने उन लोगों को मेरी प्रेगनेंसी की बात बताई तो वो लोग मुझसे नाराज हो जाएंगे और मुझे अपनाएंगे नहीं। तो फिर हम क्या करें? शुभम, तुम अपनी शादी की वजह सिर्फ अपने प्यार को बताना। लेकिन तुमने कामिनी से इस तरह शादी क्यों की? जवाब दो, खामोश क्यों खड़े हो आप? मॉम, अभी तो मैं आपसे सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ, क्योंकि हमेशा आप किसी ना किसी वजह से हमारी शादी आगे होती चली गई। मैं कामिनी के साथ जल्दी शादी करना चाहता था, इसके अलावा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं था। तुमने शादी कर ली तो हमें दुख नहीं हुआ, बल्कि खुशी हुई कि तुम्हें तुम्हारी खुशी मिल गई। पर एक बात जरूर है कि अगर तुमने अपनी शादी के बारे में हमें पहले बता दिया होता तो शायद हमारी एक खुशी दुगनी हो गई होती। खैर कोई बात नहीं, जाओ अंदर आराम करो। गौरी, बहू को अपने कमरे में ले जाओ। शकुंतला, अगर शुभम ने शादी कर ली है तो हमें नाराज नहीं होना चाहिए, यह मत भूलो कि जिस दिन हमने शुभम का रिश्ता कामिनी के साथ तय कर दिया था उसी दिन से हमने उसे अपनी बहू मान लिया था, इसलिए उसे बहू का प्यार मिलना चाहिए। अक्की, क्या हुआ अक्की? कुछ नहीं मां। लेकिन बेटा, तुम्हारी आंखों में तो आंसू है अक्की, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे? जब मेरे यहाँ पे किसी को फिक्र ही नहीं तो बोलकर क्या फायदा? तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? मैं ठीक कह रहा हूँ मॉम, अगर मेरी फिक्र होती तो डैड मेरे से बिना पूछे मेरी जिंदगी का फैसला नहीं करते। लेकिन आखिर तुम्हारे डैड ने ऐसा किया क्या है? डैड ने स्नेहा के डैड से जाके ये कह दिया कि मेरी और स्नेहा की शादी अब नहीं हो सकती। क्या? हाँ मॉम, और आप तो जानती हैं कि मैं स्नेहा के बिना नहीं रह सकता। इसमें स्नेहा के साथ साथ मेरी जिंदगी भी बर्बाद हो जाएगी। तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, मैं अभी जाके तुम्हारे डैड से इस बारे में बात करती हूँ। हाँ, क्या कह रहा है? क्यों, क्या कहा अक्की ने? वो
वो कह रहा है कि आपने उसकी और स्नेहा की शादी से इनकार कर दिया है। हाँ ये सच है जानकी, हम नहीं चाहते कि आकाश और स्नेहा की शादी हो। लेकिन आपने ऐसा क्यों किया? वो इसलिए जानकी कि विक्रम आर्या की बेटी अब हमारे घर की बहू बनने लायक नहीं रही। अगर आपके इनकार की वजह स्नेहा की आंखों की रोशनी है तो आप ये भूल रहे हैं कि स्नेहा की आंखों की रोशनी हमारे बेटे की जान बचाने की वजह से गई थी। हमें तो उसके साथ हमदर्दी दिखानी चाहिए, लेकिन आप तो उसका प्यार छीन रहे हैं। आपको एक बात अच्छे से मालूम होनी चाहिए कि हमारा बेटा भी स्नेहा से उतना ही प्यार करता है। जानकी, हमारे लिए प्यार का मतलब पागलपन से ज्यादा और कुछ नहीं है। एक बार हमने उसकी खुशी के लिए उसकी जिद मान ली थी, लेकिन बार बार हमें कोई मजबूर नहीं कर सकता। नहीं जानकी, हमें हमारे घर में शीशे लगाने का शौक तो है, लेकिन अगर फानूस टूट जाए तो हम पूरा का पूरा फानूस उठाकर बाहर फेंक देते। तुम क्या चाहती हो कि हम एक टूटी हुई चीज को अपने घर की जीनत बनाएं? ऐसा कभी नहीं हो सकता। जानकी, आकाश और स्नेहा की शादी कभी नहीं होगी, एंड दिस इज फाइनल। बात की तुमने शोहन से? किस बारे में? उसने कोर्ट मैरिज क्यों की? नहीं, बात तो नहीं की, लेकिन उसने कहा कि वो कामिनी से प्यार करता था। और ये बात तो हम भी जानते हैं शकुंतला, इसीलिए तो हमने उसकी कामिनी के साथ शादी तय कर दी थी। पर वो सबसे छिपाकर कोर्ट मैरिज करके बैठ गया। तुम्हें हैरानी नहीं होती? आखिर क्या वजह हो सकती है इसकी? अब वजह तो मैं भी नहीं जानती है, लेकिन अगर आपके दिल में ऐसी कोई बात है तो आप शुभम से क्यों नहीं बात कर लेते? नहीं शकुंतला, शुभम ने शादी भले ही कर ली हो, मगर वो इस बारे में हमसे कुछ बात नहीं कर पाएगा। और जहां तक बात रही शादी की, तो मुझे लगता है कि उसने ये शादी किसी मजबूरी के तहत की है, और इस मजबूरी की वजह तुम ही जान सकती हो। शायद आपका सोचना बिल्कुल सही है। जिंदगी में पहली बार इतनी बड़ी बात शुभम ने हमसे छिपाई है। जरूर उसकी कोई मजबूरी होगी। आप चिंता मत कीजिए, मैं पता करने की कोशिश करती हूं। तू शुभम के कमरे में गई थी ना? हाँ बुआ जी, हम गए तो थे,
क्यों? नहीं नहीं, उन लोगों ने तेरे सामने कोई बात की? नहीं बुआ जी, वो हमारे सामने थोड़ी ना बातें करेंगे। हाँ वो बात तो है बावली, पर तुझे उनकी बातें छुप छुप कर सुननी चाहिए थी ना। छुप छुप कर? नहीं बुआ जी, ये गलत बात है, किसी की बातें छुप छुप कर नहीं सुननी चाहिए। हाँ हाँ वो तो मैं भी जानती हूँ, मैं तो इसलिए कह रही थी कि वो शुभम की दुल्हन नई नवेली है ना, अब उसे इस घर में तकलीफ ना हो इस बात का ध्यान भी तो हमें रखना पड़ेगा ना। तो ठीक है अब जा, जे तुझे किसी बात का पता चले ना तो सबसे पहले आकर मुझे बताना। हाँ ठीक है बुआ जी। जा जा हा? ध्यान रखना हा? कोई भी बात हो मुझे बताना सबसे पहले। क्या हुआ मेरी रानी, तू इस छोरी को क्या पट्टी पढ़ा रही है चक्कर चला के? अब तुम्हारी अकल तो घास चलने गई है तो मुझे अपनी अकल दौड़ानी पड़ेगी ना कसम से। अरपन बताएगी हुआ क्या है, माजरा क्या है चक्कर चला के। अब तुम सोचो, तुम कैसे सोचोगे, इसलिए मैंने सोच लिया शुभम ने कामिनी के साथ मंदिर में शादी क्यों की। अब इसमें सोचने की क्या बात है, वो उससे प्यार करता था इसलिए उससे शादी कर ली। अरे जब भी उसकी शादी होने वाली होती थी कोई ना कोई अड़चन आ जाती थी, अरे कभी बाप बीमार तो कभी बहन अंधी, उसने शादी करके कौन सा बुरा किया, अच्छा ही तो किया चक्कर चला के। सोच लिया ना, बस इतना ही सोच सकते हो। अरे जे सोचो कि शुभम ने जे बात तो सबके सामने कही थी। शुभम ने कही थी? अरे पर तुझे क्या लगता है? मुझे तो दाल में कुछ काला नजर आवे है। काला, काली दाल? हाँ। अरे अपने दिमाग का ढक्कन खोलो और जे सोचो, जब जीजा जी शुभम और कामिनी की शादी करने के लिए राजी थे तो फिर शुभम ने उन्हें बिना बताए कामिनी से शादी क्यों की? मुझे तो कोई दूसरा चक्कर नजर आवे है। तभी तो मैं कहूँ कि मेरे दिमाग ने काम करना क्यों बंद कर दिया है। क्यों बंद कर दिया है? इसलिए कि तूने जो सोचना शुरू कर दिया चक्कर चला के। ये बात मेरे दिमाग में क्यों ना आई? अरे दिमाग होवेगा तो आवेगी ना। इस शादी का कोई दूसरा चक्कर भी हो सकता है चक्कर चला के। इसी चक्कर का तो पता लगाना है, बस इतना समझ लो जब मुझे उस छोरी की कमजोर नस मिल गई ना तो फिर देखना मैं उस छोरी को कामिनी को अपने मन चाहे ढंग से अपनी उंगलियों पे नचाऊंगी। हाँ देख लिया कैसे चक्कर चलाने लगी, चक्कर चला के। कसम से। हाय लल्ली, तू क्यों काम कर रही है? मैं मैरी को भेज देती हूँ ना, वो आके साफ सफाई कर देगी। नहीं थैंक यू मामी जी, एक्चुअली मैं अकेले बोर हो रही थी ना तो सोचा थोड़ा काम कर लूँ, टाइम पास हो जाएगा। हाँ हाँ शुभम बेचारा तो सुबह सुबह ऑफिस में चक्की पीसने चला जाता है, तू यहाँ बैठ कर अकेली बोर होती होगी। तू जब बोर हुआ करे ना मुझे बुला लिया कर, मैं आ जाऊंगी। और वैसे मैं एक बात और जानूं, जब नई नई शादी हो गए है ना तो पति के पास रहने का ज्यादा मन करता है कसम से। वैसे एक बात बता लल्ली, वो शुभम की और तेरी दोस्ती बहुत पुरानी है कसम से? जी मामी जी, हम दोनों कॉलेज में साथ ही पढ़ा करते थे। हाँ हाँ वो तो मैं जानू, वहीं से तेरा नैन मटक्का शुरू हो गया था ना। व्हाट इज नैन मटक्का? नैन मटक्का प्यार व्यार। जी जी बस
प्यार तक ही था या बात इससे कहीं आगे बढ़ी थी? क्या मतलब? मतलब जे कि जीजाजी तो तुम दोनों की शादी के लिए तैयार थे, पर तुमने उनका इंतजार ना करके मंदिर में छुपकर शादी कर ली। मेरा मतलब ये था कि कहीं कोई मजबूरी तो ना थी ना कि तुमको जल्दी जल्दी छुपकर शादी करनी पड़ी। मामी बता बता। मामी जी जी, अगर आप शुभम की मामी नहीं होती ना तो मैं ऐसा जवाब देती कि आप कभी ऐसा सवाल करने किसी के पास नहीं जाती। हाय हाय लल्ली, वो तो अब जाइए यहाँ से, जस्ट गो अवे फ्रॉम हियर। पर मैं तो पूछ रही थी लल्ली के, मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ कि आप क्या पूछना चाहती हैं, लेकिन आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन ऑल दिस। ओके, सो नाउ यू कैन प्लीज गेट आउट फ्रॉम हियर। मैंने कहा गेट आउट। अंग्रेजी में चाहिए यहाँ से। और हाँ मामी जी, मामी जी एक बात और अच्छी तरह से समझ लीजिएगा, आइंदा अपना फिजूल का ये टाइम पास करने के लिए ना यहाँ मत आ जाया करिएगा, बिकॉज आई डू नॉट लाइक टू सी दिस फेस अगेन। है नहीं, मैं आपकी ये शक्ल दोबारा नहीं देखना चाहती, सो जस्ट गेट आउट फ्रॉम योर। जाइए, जाते हो। गॉड, ओह गॉड, शी इज सो फ्रस्ट्रेटिंग। लेकिन ये मामी बहुत स्मार्ट है, लेकिन वो ये नहीं जानती कि उसका पाला भी किससे पड़ा है। आफ्टर ऑल आई एम कामिनी। आया था कितनी खुशी सा।